आ गया रियलमी नार्जो 20A। तो आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में इसके डब्बे को ओपन करते हैं। सो डब्बा ओपन, डब्बे के अंदर एक और डब्बा जहां पे आपको देखने को मिलता है नार्जो 20A नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी। यहां पे आपको ऑल डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाता है। यहां पे फिर से जो रियलमी नार्जो 20A का ब्रांडिंग आपको मिल जाता है, पीछे कुछ एस्पेक्ट्स लिखे गए हैं जहां पे आपको स्नैपड्रैगन 665 यूज किया गया है और यहां पे 6.5 सेंटीमीटर यानी 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि काफी लॉन्गर रहेगा। कैमरा जो 12 AI का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पे स्टिकर है यानी यहाँ पे आपको बैंडिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे R लिखा गया है और बाकी सब कुछ वह देखने को मिलता है। सो वंस अगेन नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड को है जो करते हम ओपन। ये रहा कंटेंट जो कि हमें इस डब्बे के अंदर देखने को मिल जाता है। हमारा ये रहा चार्जर जिसका स्टाइल बिल्कुल नहीं हुआ है, जो चेंज कर दिया गया है, जहां पे आपको इसके ऑल डिटेल्स देखने को मिल जाते हैं कि क्या कुछ इसका आउटपुट है और इनपुट है। 2 एम्पीयर का ये चार्जर है। यहाँ पे आपको टाइप सी तो नहीं मिलता है, ओल्ड टाइप का आपको केबल देखने को मिल जाता है जो कि व्हाइट कलर का है। ये हमारा रहा डिटेल्स, इसके अंदर कुछ पर्चियां दी गई है बट भाई यहाँ पे बैक कवर इस बार यूज नहीं किया गया है, भाई देना चाहिए था बट नहीं दिया गया है। ये रहा हमारा फोन जो कि काफी ज्यादा रैप किया गया है इस थैली के अंदर, तो काफी हैवी है, तो इसे हम कर लेते हैं ओपन। तो ये रहा हमारा चिकना सा नार्जो 20A, यहाँ पे आपको थोड़ी सी अलग सी फिनिशिंग देखने को मिलती है टेक्सचर टाइप की जो कि इस तरीके से आवाज आ रहा है। यहाँ पे कैमरा का जो बम्प है काफी कम है और साथ साथ काफी ज्यादा हल्का फील हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा वेट है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाता है और एक मिनट भाई इसका सिम ट्रे कहाँ है, तो इसे ओपन करते हैं। तो ये रहा हमारा इसका सिम ट्रे जो कि इधर देखने को मिल जाता है। अगर हम सिम ट्रे को बाहर की ओर निकालते हैं सिम इजेक्टर पिन के हेल्प से, तो आपको यहाँ पे हाइब्रिड स्लॉट में डेडिकेटेड दिया गया है मेमोरी कार्ड का, यानी 2 SIM प्लस मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो इसका प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। पीछे की ओर फिजिकल बटन दिए गए हैं, यहाँ पे f1.8 लिखा गया है कैमरे के ऊपर, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैश लाइट है, नीचे की ओर आपको नार्जो लिखा हुआ मिल जाता है डिजाइन बाय रियलमी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पावर बटन देखने को मिलता है। नीचे की ओर आपको जो 3.5 mm जैक का सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पे माइक दिए गए हैं, चार्जिंग है, स्पीकर है और ऊपर की ओर आपको एक सेल्फी कैमरा प्लस स्पीकर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे आयर ब्लास्टर वगैरह देखने को नहीं मिलता है जो कि हमें रेडमी के फोन के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे कर लेते हैं पावर ऑन और पूरा सेटअप करके आते हैं इसके होम स्क्रीन के ऊपर। कंप्लीट करके हम आ चुके हैं इसके होम स्क्रीन पे, जहाँ पे आपको यहाँ पे ओके गूगल देखने को मिलता है, नेबर आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है। आइकन पैक में स्टॉक गूगल के आइकन पैक वगैरह यूज किए गए हैं और इस पे अगर बाकी अदर ब्लॉटवेयर की बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा आपको ऐप देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप स्लोपो देख सकते हो। यहाँ पे बाकी और थोड़े बहुत ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं न्यूज वगैरह के, तो इस टाइप से कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स मिल जाते हैं बट एक भी आपको बैन चाइनीज ऐप यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो एक अच्छी चीज की गई है कि चाइनीज ऐप को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है और इसका मैंने जो आउटडोर में भी थोड़ा बहुत यूज किया है तो आउटडोर जो विजिबिलिटी है वो काफी अच्छी मिलती है, तो आपको लो ब्राइटनेस की प्रॉब्लम यानी शिकायत देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे ड्रॉ करते ही आपको 1 UI का फील आएगा, ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा है। और इसका जो OS है वो बिल्कुल ही क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। अगर हम सेटिंग की ओर आते हैं और इसके अबाउट पेज की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इसके अबाउट पे जो कि आप देख सकते हो रियलमी नार्जो 20A देखने को मिलता है और रियलमी का जो वर्जन है वो है V1.0। तो इसका जो 2.0 का जो अपडेट आने वाला है वो काफी लंबे टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एंड्रॉयड 10 पे आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे रन कर रहा है तो आपको एंड्रॉयड 10 देखने को मिल जाता है, तो 2-3 अपडेट आपको इसके साथ देखने को मिलने वाला है। बाकी सेटिंग का लुक काफी कुछ इस तरह के देखने को मिलता है डिफरेंट और काफी ज्यादा यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपने मर्जी के अनुसार चेंज कर सकते हो। तो काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बाकी अदर रियलमी के डिवाइसेज में आपको देखने को मिल जाता है।
साथ ही साथ अगर हम इसके जो फेस अनलॉक की बात करें तो मुझे फेस अनलॉक काफ़ी अच्छा लगा है, काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो, बस बटन प्रेस किया लाइट अप हुआ और ये ओपन हो गया, बटन प्रेस किया लाइट अप हुआ और ये ओपन हो गया, तो ये काफ़ी अच्छा मिलता है। और जो पीछे का फिंगरप्रिंट का सपोर्ट है जो हमेशा क्विक रहता है, तो बस टच करने की देरी है और ये ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो दोनों आपको काफ़ी क्विक मिल जाता है, चाहे आपका फेस अनलॉकिंग हो या फिर आपका जो इस बटन से थ्रू अनलॉकिंग हो। कैमरे की ओवरव्यू की बात करें तो आपको कुछ इस टाइप से डिफिकल्ट सा डिफरेंट सा आपको देखने को मिलता है कैमरे का सेटअप, जहाँ पे कैमरा फ्लिप करने का ऑप्शन कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है और फिर से फ्लिप यहाँ पे आपको मिलता है। ड्यूटी मोड वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और ट्रिपल कैमरा पे आप चेंज करना चाहते हो तो 1x यहाँ पे आपको 2x मिलता है, और यहाँ पे आते हैं तो 5x आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे फोटो काफ़ी ज़्यादा सेकी हो जाती है और यहाँ पे डिटेल काफ़ी ज़्यादा है जो कम हो जाता है। तो आप 1x 2x यूज कर सकते हो, बट अगर कहीं पे कोई चीज़ लिखा हुआ है उसे रीड करना है तो आप 5x वगैरह जूम करके हाइब्रिड जूम यहाँ पे कर सकते हो। ऊपर की ओर आपको HDR देखने को मिल जाता है, जहाँ पे ऑटो वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। अगेन आते हैं तो यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह दिए गए, जहाँ पे क्रोमा बूस्ट आप ओपन करोगे तो डिफरेंट से आपको कलर में बूस्टिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छा है। अगर आपको पसंद आता है तो उसका यूज कर सकते हो। और कई सारे यहाँ पे फिल्टर्स दिए गए हैं, जहाँ पे आप क्लिक करने से पहले फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, टाइमर का और सेटिंग्स का। अगर हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको वॉल्यूम बटन का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप सेट कर सकते हो वॉल्यूम स्लाइडर या जूम का ऑप्शन, फिंगरप्रिंट से शूट करना है या नहीं, साउंड इनेबल, GPS वगैरह। आपको टेक फोटो का ऑप्शन मिलता है, ग्रिड का, AI का ऑप्शन मिलता है, वाटरमार्क भी देखने को मिलता है, जहाँ पे टाइम और बाकी नेम वगैरह आप डाल सकते हो। साथ साथ यहाँ पे रीस्टोर का ऑप्शन मिलता है। अगर हम वीडियो सपोर्ट की बात करें तो सेटिंग की ओर आते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 4K तक का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट। ये काफी अच्छा यहाँ पे 4K तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है, आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। और यहाँ पे 1080p वाला 720p आपको देखने को मिलता है। नाइट मोड भी मिलता है, जो कि अच्छा खासा आपको डिटेल दे देता है। नाइट मोड में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड आपको मिल जाएगा क्वालिटी वगैरह, और फोटोज के अंदर आपको देखने को मिलते हैं फिर से यहाँ पे फिल्टर्स वगैरह। लेकिन हम वीडियो के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी बुके इफेक्ट वगैरह देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि हमें X2 Pro और K50 के अंदर देखने को मिला था, यानी Realme के X50 और Realme के 7 और 7 Pro के अंदर देखने को मिल रहा है। वैसा कोई भी बुके इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। फोन काफी ज्यादा हल्का है, लाइट वेट है, तो आपको फील भी नहीं होता है कि आपने कोई फोन पिक कर रखा है, काफी हल्का है बाकी अदर फोन के कंपैरिजन में। तो ये चीज मुझे इसकी अच्छी लगी। इधर की ओर आपको पैनोरमा देखने को मिलता है, अगर हम मोड पे टाइप करते हैं तो आपको टाइम लैप्स देखने को मिलता है, स्लोमो, एक्सपोजर यानी प्रो मोड मिलता है, और पैनो यानी पैनोरमा का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे आपको प्रो मोड के अंदर ISO और बाकी अदर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ से आप अच्छे खासा चेंज करके काफी कमाल के इंटरेस्टिंग है जो फोटोज क्लिक कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना इसका नॉलेज है, क्योंकि अगर आपको इसका ज्यादा पता नहीं है तो आप फोटोज को बिगाड़ सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे अच्छे से समझ लेते हो तो काफी कमाल के इंटरेस्टिंग आप फोटो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो काफी बेहतरीन आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है, जिस पर टाइप करके आप उसे कटआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो नाइट मोड दिया गया है, ये आपको सेल्फी में देखने को नहीं मिलता है, ऑनली ऑन बैक कैमरा में आपको नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें तो यहाँ पे मैंने अलग अलग सैंपल रिकॉर्ड किए हैं, साथ ही कुछ फोटोज भी मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे सैंपल्स देखने को मिल जाते हैं।
बात करते हैं इसके फाइनल ओपिनियन की, तो डिवाइस का जो प्राइस है उसके हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा है, काफी ज्यादा हल्का आपको मिलता है। कैमरा का जो बम है वो भी बाहर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको दिक्कत नहीं है। बट एक छोटी सी कमी लगी है कि इसके साथ बैक कवर प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो आपको मार्केट से परचेज करना पड़ेगा क्योंकि बैक पे स्क्रैच वगैरह आ सकते हैं और सेफ्टी के लिए। बाकी आपको जो डिस्प्ले के ऊपर एक फिल्म दी गई है जो कि आपको स्क्रैच से बचाता है, तो एक कंपनी को से जो प्रोवाइड किया गया मुझे अच्छा लगा है। क्योंकि जब भी कोई नया फोन लॉन्च होता है तो मार्केट में ना ही टेम्पर ग्लास मिलते हैं ना ही उसके बैक कवर मिलते हैं, तो विदाउट टेम्पर ग्लास के हमें यूज करना पड़ता है, तो ऐसे में स्क्रैच वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्रोटेक्शन पहले से प्रोवाइड किया गया सिंपल सा जो कि फिल्म है, तो कुछ दिन तक हम इसे यूज कर सकते हैं जिससे स्क्रैच से बचेगा और जब मार्केट में अवेलेबल होगा जब हम इसे बाय कर लेंगे। तो एक कंपनी को जो प्रोवाइड किया गया है मुझे अच्छा लगा है और ऐसा हर एक कंपनी को देना चाहिए अपने डिवाइस के साथ फर्स्ट टाइम, ताकि कस्टमर है जो बाद में उसे अपग्रेड कर सके टेम्पर ग्लास में और बाकी जो भी उसको पसंद आता है। और जो प्राइस पॉइंट के साथ ये आता है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे मिल जाता है, और AnTuTu का स्कोर भी यहाँ पे काफी बेहतरीन है जो कि आपको 17648 का देखने को मिलता है। और डेली लाइफ यूजेज में मुझे कुछ लैग वगैरह देखने को नहीं मिला है, और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोज आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है नार्जो से रिलेटेड। और आप अगर बाय करने की सोच रहे हो तो आप जा सकते हो इसके साथ, लेकिन और पैसा स्पेंड कर सकते हो आप नार्जो 20 प्रो के साथ भी जा सकते हो या कोई अदर डिवाइस भी आप देख सकते हो, लेकिन आपका प्राइस पॉइंट सेम इसी के आसपास आता है तो ये फोन आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा डेली लाइफ बेसिक यूज के लिए। क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉयड की आपको फीलिंग जो यहाँ पे मिलती है वो काफी ज्यादा मजेदार है और आपको काफी बेहतरीन सा फील आने वाला है। कभी आप निराश नहीं होए कि मैंने इसे बेकार में परचेज कर लिया, मुझे कोई और दूसरा डिवाइस परचेज करना चाहिए था, ऐसी फीलिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीजें मुझे यहाँ पे इसकी अच्छी लगी है जो कि हमें यहाँ पे मिल जाता है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय बाय।